ओके टेल मी द नेम असेसी, अगला असेसी विश्वनाथ, ठीक है ना बाबा? उसका इनकम हमें लेना है 201 अंडर नॉर्मल रिजीम, 201 का कंप्यूटेशन अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख में कितना आ रहा है अभी यहां पे? अरे बोलो ना, अबाउट 10 लाख में कितना इनकम है? 1 करोड़ 91 लाख है ना, तो 1 करोड़ 91 लाख का कितना परसेंटेज? 30%। तो इनकम टैक्स इतना आया क्या? इनकम टैक्स तो आना चाहिए ना, सरचार्ज वगैरह रहने दो। अब मुझे बताओ, किसी का इनकम अगर 2 करोड़ के ऊपर होता है तो व्हाट इज द सरचार्ज रेट? 25%, ठीक है ना? 2 करोड़ के ऊपर होता है तो आपका सरचार्ज का रेट हो जाता है 25%। तो 25% आप अप्लाई करो। हाँ, तो इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज कितना आया? 7303125 आ गया क्या? अब बेस अमाउंट बताओ यहां पे कितना होगा? व्हाट व्हाट वी शुड कंसिडर एज अ बेस अमाउंट? 200 लाख, राइट? तुमको जम रहा है क्या देखो बोलने के लिए? 200 लाख बोलो या 2 करोड़ बोलो, ठीक है ना? इंक्रीमेंटल अगर करूंगा तो कितना आएगा? व्हाट इज माई इंक्रीमेंटल इनकम? 1 लाख इज माई इंक्रीमेंटल इनकम। ये समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, अगर मैं 2 करोड़ के ऊपर टैक्स निकालता तो ऐसे ही निकलता ना जैसे यहां पे निकाला आप लोगों ने? सेम ही तो निकलता, खाली क्या ही चेंज होना था यहां पे? नहीं, टैक्स अमाउंट भी चेंज होना। ऐसे क्या कर रहे हो? यहां पे कितना हो रहा है? ये 91 लाख था ना, ये खाली 90 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ 90 लाख का 30%, और यहां पे सरचार्ज कितना लेना पड़ेगा मुझे? 15%, क्योंकि 2 करोड़ तक 15% होता है ना सरचार्ज, ये 15% पे निकल रहा है। यहां तक क्लियर है? तो इंक्रीमेंटल टैक्स कितना लगा देखो ना आप लोग, इंक्रीमेंटल टैक्स कितना लगा मुझे? हाँ, व्हाट इज माय इंक्रीमेंटल टैक्स? 6,18,000। और इंक्रीमेंटल इनकम कितना था? 1 लाख एक्स्ट्रा के वजह से 6,18,750 लग रहा है। कैन यू गेस मार्जिनल रिलीफ? हाँ, 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने की वजह से कितना टैक्स? 6 लाख का टैक्स एक्स्ट्रा लग रहा है, 6,18,000 का। 5,18,715 का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो बहुत ही मार्जिनल कॉन्सेप्ट है क्या? मार्जिनल रिलीफ भी बड़ा रिलीफ दे सकता है आपको, ठीक है ना? बट वी नीड टू कंप्यूट नाउ, कैन वी कंप्यूट इन वर्किंग नोट? तो ये अमाउंट तो आ ही गया है, राइट? दिस इज ऑन 201। ये आपको खाली एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं मैं। यहां तक हो गया? अरे बाबा चलो आगे। टैक्स ऑन बेस अमाउंट इंक्लूडिंग सरचार्ज। अब यहां पे सरचार्ज कितना लगेगा मुझे बताओ ना? यहां पे बेस अमाउंट कितना है? 200 लाख। तो 200 लाख के ऊपर सरचार्ज कितना लगता है? 200 लाख के ऊपर सरचार्ज कितना लगता है? अभी बोला ना 2 मिनट पहले 15% लगता है ना। तो मुझे बताओ, बेस अमाउंट यहाँ पे 200 लाख है, तो 200 लाख का 15% निकाला आप लोगों ने? 200 का टैक्स निकाला क्या? इंक्लूडिंग सरचार्ज कितना आ रहा था वो? अरे मैंने अभी यहाँ पे निकाला ना, ये दिख रहा है क्या तुम लोगों को? कितना आ रहा है? 6,84,375 आया ये। डायरेक्टली निकालना होता है एग्जाम में, आप इसका वर्किंग नोट नहीं दिखाना चाहिए आपको, डायरेक्टली ये कंप्यूट करने आना चाहिए। कैसे निकला है ये, समझ में आ रहा है आपको? फिर से एक बार बताओ, ये 66 कहाँ से आया? कहाँ से आया? 2 करोड़ के ऊपर टैक्स निकाला मैंने, ऐसे निकलेगा ना? 0, 12,500, 1 लाख एंड फिर 57 लाख, फिर 58 लाख, 12,500, उसके ऊपर 15% सरचार्ज, तो ये 6,684,375 आता है। ये क्लियर है? हाँ, वो करने की जरूरत नहीं है, वो आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं जम रहा है तो करो। और इनकम एक्सीडिंग बेस अमाउंट, तो बाबा इनकम कितना था? 201 था मेरा, ठीक है ना? 201 का 201 में से 200 लाख अगर चला गया तो 1 लाख एक्स्ट्रा आ रहा है हर बार, ठीक है? अब मुझे बताइए आप लोग, ये कितना आएगा? 6,784,375 आएगा, तो मार्जिनल रिलीफ कितना आया? 5,18,750। ये तो हमने ऊपर भी देख लिया था, लेकिन अपने को प्रेजेंटेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अभी चलो मार्जिनल रिलीफ माइनस कर देते हैं यहाँ से। 5,18,750
750, तो ये नेट अमाउंट आ गया और उसमें से इतना आपने सरचार्ज लगा के ये टैक्स आ गया, तो 70,55,750 आंसर है। 200 लाख पे टैक्स कैसा निकालूं मैं? 5,07,500। क्या आगे जाने के लिए रेडी हो? कभी रहोगे? अब किसका करें? कौन रह गया अभी? पूनम का सॉल्व करते हैं। पूनम अमीरों में गरीब, पूनम का ज्यादा इनकम नहीं लेते, 5,01,00,000 लेते बस। अभी बेस अमाउंट 5 करोड़ हो जाएगा। पूनम जब 5,01,00,000 कमाएगी तो खाली बताना है पूनम को कि पूनम टैक्स कितना भरेगी। यहाँ पे सरचार्ज क्या रेट पे लगेगा? 37% पे लगता है। यहाँ पे 5 करोड़ के ऊपर 37%। मेरे को तो मार्जिनरली दिख रहा है मेरी आंखों से। 5,01,00,000 पे टैक्स आ रहा है 2,34,22,5 और 5 करोड़ पे टैक्स आ रहा है 1,85,15,625। इंक्रीमेंटल की अगर मैं बात करूं तो 18,18,600 मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है। 18 लाख एक्स्ट्रा ले रहा है गवर्नमेंट मेरे से जस्ट बिकॉज आई अर्न 1 more lakh। बुरा लगेगा कि नहीं? 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया करके गवर्नमेंट 18 लाख एक्स्ट्रा लेके जा रहा है मेरे से। ऊपर अभी मैं गया ही नहीं, नहीं आगे। ये तो इतना ही आएगा 17,18,600। फिर सेस वगैरह लग के इतना टैक्स आएगा 1,93,60,250। अगर प्रेजेंटेशन दिखाऊं 501 का टैक्स का, तो यहाँ पे बेस अमाउंट पहले तो 500 लाख हो गया और इसके पर सरचार्ज बिल्कुल लगा 25% पे। टोटल इनकम एक्सीडिंग बेस अमाउंट पे ये हमने कांस्टेंट रखने का ट्राई किया, लेकिन आपको बता दूँ हर बार ये ऐसा 501 नहीं आएगा, 502 भी आ सकता था, कुछ भी अमाउंट आएगा। हमने कांस्टेंट रखा क्योंकि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। 1,95,15,625 ये राइट है। नाश्ता मिला? होगा। बस एक चीज इनको बतानी है, बस लास्ट बची है, ये बाद में कर लेना ना। मैं बताऊं आगे की डिफॉल्ट रिजिम में अगर आप करने जाओगे तो क्या होगा बताओ?
डिफॉल्ट रिजिम में 501 का टैक्स निकाल पाओगे आप? 5 करोड़ का टैक्स निकल जाएगा ना, 4 करोड़ 86 लाख का इनकम टैक्स निकल गया। यहां पे सरचार्ज कितना लगेगा डिफॉल्ट रिजिम में 5 करोड़ के ऊपर? 5 करोड़ के ऊपर सरचार्ज यहां पे 25% ही रहता है डिफॉल्ट रिजिम है ना। डिफॉल्ट रिजिम में 2 करोड़ के बाद ही कितना लगना चालू हो जाता है? देर इज नो 5 करोड़ का स्लैब, 2 करोड़ के बाद का ही है। तो ये एक एडिशनल अमाउंट यहाँ पे मुझे आपको बताना था कि डिफॉल्ट रिजिम में 2 करोड़ के बाद सरचार्ज का रेट चेंज नहीं होता, 25% ही रहता है। अब यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ आएगा कि नहीं आएगा, हम खाली चेक कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे बेस अमाउंट क्या हो गया आपका? 200 लाख। 200 लाख के ऊपर आप टैक्स निकालोगे, ठीक है ना। 200 लाख के ऊपर टैक्स निकालेंगे तो यही आएगा, बोलो, ठीक है ना। अब इनकम एक्सीडिंग बेस अमाउंट मुझे बताओ, ये आपका कितना हो गया? 501 इनकम एक्सीडिंग बेस अमाउंट हो गया। 501 लाख में से 200 लाख निकाल दोगे तो ये 301 लाख आएगा। तो ये अमाउंट कितना हो रहा है भैया? 3 करोड़ 66 लाख, 3 करोड़। ये ऊपर कितना है? 66 ही होगा ना, 56 ही होगा ना, वही तो मैं 56 करूँ कि 66 करूँ उसके ऊपर करते 56 ना, कैसा 66? मैं क्या करता है, मैं तुमको बताता है, मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं रखता, मेरे पर भी भरोसा नहीं रखता। मेरे को इधर खाली माइनस में फिगर चाहिए था, खाली मुझको वो चाहिए, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय माइनस वन करता, मेरा हो गया, ठीक है। 3 करोड़ 66 55 थाउजेंड ही आ गए। अब ये इतना नेगेटिव मार्जिनल रिलीफ आ रहा है, नेगेटिव होता है क्या मार्जिनल रिलीफ? रिलीफ नेगेटिव होता है क्या कभी? नहीं। आपको पेन हो रहा है उसके ऊपर, कोई ऊपर ऊपर से आप बोलोगे पेन हो रहा है उधर और मारने का क्या? मार्जिनल रिलीफ कैन नॉट बी नेगेटिव, रिलीफ हैज टू बी पॉजिटिव। मैं बता रहा हूं, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं -5000 का, डिस्काउंट -5000 नहीं होता, मेरे प्राइस में से कुछ कम होना चाहिए ना। डिस्काउंट डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मैथ्स में, तो इसलिए इसको जीरो करना पड़ता है, फिर मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता। नेगेटिव है अमाउंट लेकिन जीरो करना पड़ता है, और एक जीरो हो गया तो मार्जिनल रिलीफ जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो अप्लाई नहीं करना चाहिए था, मार्जिनल रिलीफ सोचना भी नहीं चाहिए था। यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ सोचते कब है? जब इनकम मार्जिनली ग्रो हुआ है। यहाँ पे इनकम मार्जिनली ग्रो हुआ है क्या? 200 लाख पे बेस अमाउंट है, आप 5 करोड़ कमा रहे हो, मार्जिनली अमीर नहीं हो तुम, अभी बहुत अच्छे से अमीर बन चुके हो, अभी आपको रिलीफ की जरूरत नहीं, अभी तो टैक्स भरो। प्रोग्रेसिव सिस्टम में हायर द इनकम हायर द टैक्स भरना पड़ता है। अब रिलीफ क्या मांग रहे हो गरीब के जैसा? वो तो नॉर्मल वाले लोग मांगते हैं ना, ये समझ में आया आपको? तो ये नेट टैक्स आ गया, नेट टैक्स आने के बाद उसमें आप सेस जोड़ दो, ये आपका टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। ओके, क्लियर है? मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपको सॉल्व करने, एग्जाम में आता है, 5 to 8 marks का गेम है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है लेकिन 5 to 8 marks का है, बहुत सारे बच्चों को आता ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आता, इतना आसान तो है। LI 14, ठीक है, सारे मैंने कर लिए, जितने मॉड्यूल में हो सकते थे पॉसिबल उतने मैंने कर लिए। आपको खाली अगर प्रैक्टिस करनी है घर पे तो आप वर्क, हमने 501 किया है ना, आप प्रैक्टिस के लिए 2 कर सकते हो, 102 202 502, ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है ना। और आपके अपने अपने में नंबर चेक कर सकते हो कि क्या नंबर आ रहे हैं। जाऊँ आगे? पक्का कोई दर्द नहीं है आपको ज़िंदगी में? कुछ डाउट है बता, मेरा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया, अभी आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, इलस्ट्रेशन और मेरे में ज़्यादा फर्क नहीं निकलेगा, जो मैंने कराया वही इलस्ट्रेशन से, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, इलस्ट्रेशन आप लोग सॉल्व कर लो, ये यही है मैंने जी क्या वही है, खाली उधर नाम अलग रहेंगे बस, इलस्ट्रेशन बुक में क्वेश्चन आंसर बुक में
नाम अलग रहेंगे, कॉन्सेप्ट यही है, इनफैक्ट मैंने वहीं से उठाया है। एक्सेल शीट नहीं मिलेगा आपको, आपको लिखना पड़ेगा। एक्सेल शीट ग्रुप पे नहीं दे सकता मैं, एक्सेल शीट हमारा पोर्टल पे अपलोड होगा और इसका डाउनलोडिंग का चार्जेस रखो साहब कुछ। हाँ फ्री में क्यों दूँ, मेरी मेहनत है। हाँ एक कॉपी पेस्ट भी किया है ना, तो पोर्टल पे डालो, सेलेबर रखो, और ऐसे लोगों से तो पहले जो मोबाइल लेके आते हैं उनसे पहले पैसे लो। ठीक है चलेगा इतना, आ रहा है आपको ना? टैक्स रेट निकालने आ रहा है क्या? एक चीज़ रह गई है, आप बोलोगे तो मैं पढ़ाऊँगा, नहीं नहीं बोलोगे तो नहीं पढ़ाऊँगा। एक चीज़ क्या है पता है, हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज विथ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वो बाकी है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम, ये सब आएगा। और 2 करोड़ क्रॉस होगा, 5 करोड़ क्रॉस होगा। और आपको पता है फिर उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोल के रखा है कि जो हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज होते हैं 25% और 37% के, वो स्पेशल इनकम के टैक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। स्पेशल इनकम के ऊपर 15% पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ तो एक लॉ है, सुना है आप लोगों ने? सरचार्ज में लिखा है ना एक नोट नीचे, 25% और 37% का हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन 112, 112A, 111A एंड डिविडेंड इनकम। ये लिखा तो हमने, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो CA मॉड्यूल ने भी सॉल्व करके नहीं दिया है। ठीक है, ये जो मैंने किया वो एटलीस्ट CA CMA मॉड्यूल में किधर तो सॉल्व करके आपको इलस्ट्रेशन मिलेगा। वो जो मैंने अभी बोला कि हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं करना है, बोलना ठीक है, बोल दिया मैंने, उन्होंने भी बोल ही दिया है, करना कैसे है वो नहीं किया है। तो थोड़े प्रीमियम क्वेश्चंस है, थोड़ा मतलब जिनकी औकात होती है उनको ही पढ़ाना चाहिए वो चीज़, बिना मतलब के नहीं तो घूमते रह जाओगे कि है क्या ये चीज़। और वो मैं तभी पढ़ाऊंगा जब आप रिवाइज करके आओगे, आप रिवाइज नहीं करोगे, मैंने लास्ट लेक्चर में भी अनाउंस किया था, दिस इज़ द लास्ट चैप्टर, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है टाइम वेस्ट करने का ना, अपन कुछ और करते हैं, राइट? रिवीजन नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, मुझे आप सीरियस नहीं दिखोगे, और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड से मैं बता सकता हूँ कि आप रिवाइज करते हो या नहीं करते हो, ठीक है ना? तो आपको खुद को भी पता चल रहा है चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है, आप खाली उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे हो, उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हो। और मैं ऐसा फैकल्टी हुई नहीं कि आपको आगे का पढ़ाते जाऊं और पीछे का छोड़ते जाऊं। जब तक आप मुझे अश्योरेंस नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपने फी तो भरी नहीं है, फी भरते तो एक बार आके सवाल भी पूछते, आगे का क्यों नहीं पढ़ा, हमारा पैसा रिटर्न दे फ्री बैच है तो मैं डिसाइड करेगा मैं कितना पढ़ाएगा कितना नहीं पढ़ाएगा, तुम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। अगर तुम पढ़ने वाले दिख जाओगे, यहाँ बच्चे पढ़ना चालू हो गए, तो पढ़ाने वाले को ताकत बहुत है। अगर पढ़ने वाले को पढ़ नहीं रहे, ठीक है ना, बच्चे दिख रहे क्योंकि अरे यार इनको कुछ पढ़ा के मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है यार, मेरे लाइफ के 200 घंटे में मैं बहुत कुछ कर सकता है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय 200 आवर्स ऑन द ऑफिस रिसोर्सेस, इसमें कुछ और कर सकते थे हम। तो पढ़ोगे तो ही पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा। मैं कितना पढ़ाऊँ वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड है, मैंने ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सब क्वालिटी में। ऐसा नहीं कि इनहाउस बैच है, हमारी स्टाफ है, फ्री वाला बैच है, तो थोड़ा कम पढ़ा देता हूँ, थोड़ी कम ताकत लगा देता हूँ, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। इफ़ आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज, आई डिड नॉट सेक्रीफाइस, देन आई एक्सपेक्ट सेम थिंग फ्रॉम यू, आई वॉन्ट योर फुल इन्वॉल्वमेंट। नहीं तो फिर मैंने विनायक सर को बोल के रखा है 1,00,000 रुपया ले लो सबसे, तभी पढ़ाएगा मैं, फिर तुम जो ऐसा बोलेगा वो करेगा, तुम बोलेगा गाना गा के दिखाओ गाना गाएगा, तुम बोलेगा नाच के दिखाओ नाच के दिखाएगा, लेकिन पहले 1,00,000 रुपया दे दो, फिर उससे नीचे नहीं पढ़ाएगा सी इंटर। फाइनल लेवल इंटर वगैरह सब मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ, दुनिया कैसे चलती है वो बता रहा हूँ, पढ़ा टैक्स रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन दुनिया भर की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर इतनी इन्वॉल्वमेंट भी आपकी नहीं दिखेगी रिविजन में, तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आई एम वेरी मच क्लियर। ठीक है चलो, थैंक यू, नमस्कार।